गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा चलो हम लोग ये जो लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उस लेसन में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। और उस इम्पॉर्टेंट पोर्शन के बाद में हम लोगों को, दैट मीन्स हम लोगों ने पॉलिनेशन के पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। पॉलिनेशन को पूरा अच्छे से हम लोग देखे थे। और पॉलिनेशन के बाद में अब हम लोग जो है वो यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन भी कर लिया, पॉलिनेशन भी कर लिया। और उसके बाद में अब हम लोग, सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, आगे का अब हम लोग का टॉपिक जो होगा पॉलिनेशन के बाद में वो होगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पहले हम लोगों को एक चीज़ देखना है, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो पॉलिनेशन के बाद में एक, यानी पॉलिनेशन का मतलब ही क्या था कि जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुआ है एंथर से स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा पे जाने के बाद जो इंट्रैक्शन होता है उसी को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो आइए, तो पहले एक हेडिंग देंगे पॉलन पिस्टिल, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की हम लोग बात करते हैं जब, तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर जाता है, अब चाहे दोनों चीज हो सकते हैं, दो अलग अलग स्पेसीज का पॉलन ग्रेन हो, यानी एक स्पेसीज का पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे गया वो दूसरा स्पेसीज का फ्लावर हो, या फिर सेम स्पेसीज के हो, दो अलग अलग प्लांट है सिर्फ। तो जरूरी नहीं है कि जब अगर सेम प्लांट है या सेम पॉलन ग्रेन है तो जरूरी नहीं है कि उनमें फर्टिलाइजेशन होगा ही। और जब पॉलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा के ऊपर तो पॉलन ट्यूब बनने के लिए और इंट्रैक्शन करने के लिए बहुत सारे चेंजेज आते हैं। तो वो जो पॉलन ग्रेन गया है स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में जो इंट्रैक्शन है, दैट इज दी पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो पिस्टिल के ऊपर जो इंट्रैक्शन पॉलन ग्रेन जाके करता है, दैट इज दी पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इसमें कुछ बातों को पहले लिख लेंगे हम लोग, ये सब मैक्सिमम पहले लिखने की चीजें हैं। तो आइए, तो कहते हैं पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी दी, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी दी ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ, ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ, राइट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ, नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन ऑन, पॉलन ऑन स्टिग्मा। ऑब्वियस सी बात है कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन ही राइट टाइप के स्टिग्मा पे जाएगा, इसकी गारंटी कैसे है? जो इंसेक्ट है वो ये थोड़ी ना जानता है कि मुझे पॉलिनेशन करना है, वो तो अपने फायदे के लिए घूमते रहता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे। तो वो उसका काम ये नहीं डिटरमाइन करने का नहीं है कि ये राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को राइट टाइप के स्टिग्मा के ऊपर मुझे ट्रांसफर करना है, उसका ये काम नहीं है। वो अपने काम के लिए जाता है और अपने काम के वजह से वो काम होता है पॉलिनेशन का। तो अगर पॉलिनेशन के थ्रू राइट टाइप का पॉलन ग्रेन राइट टाइप के स्टिग्मा पे गया और तब दोनों के बीच में सही से इंट्रैक्शन हुआ, तब तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी पॉलन ट्यूब बनेगा और आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड होगा। लेकिन अगर राइट टाइप नहीं है तो ये काम प्रोसीड नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं करता है कि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा रहा है। सेकेंड बातें को देखिए, अब पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, रिकॉग्नाइज द पॉलन recognize the pollen, that is it is a right type or a wrong type,
तो जो पिस्टिल होता है वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि जो पोलन ग्रेन आया है वो राइट टाइप का आया है या रॉन्ग टाइप का आया। अगर राइट टाइप का आया है तो प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन पावर ऑफ पिस्टिल फॉर पॉलन ग्रेन बाई ए केमिकल, बाय ए केमिकल डायलॉग। केमिकल डायलॉग का मतलब केमिकल के सिक्रेशन की वजह से। तो पॉल पिस्टिल कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि दिस इज द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, तो वो एक केमिकल यानी पॉलन ग्रेन से केमिकल और जो स्टिग्मा के ऊपर केमिकली जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो अगर सही से हुआ तो आगे के काम प्रोसीड होंगे यानी पॉलन ट्यूब बनेगा, अगर नहीं हुआ है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि वो रिकॉग्निशन पावर ऑफ पिस्टिल फॉर पॉलन ग्रेन बाय केमिकल डायलॉग यानी केमिकल के थ्रू होता है। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म प्रो the content of the pollen grain, the content of the pollen grain move into the pollen tube। तो देखो यहाँ पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर तो वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ये डायग्राम मैं आपको दूंगा, अभी डबल फर्टिलाइजेशन होगी तो वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और पॉलन ट्यूब जैसे जैसे अंदर की ओर यानी कि स्टिग्मा स्टाइल है, स्टाइल एक हॉलो स्ट्रक्चर था, तो उस स्टाइल में अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होकर पॉलन ट्यूब का अगर ग्रोथ होगा तो स्टाइल के थ्रू वो ओवरी के अंदर जाएगा, तो जो पॉलन ट्यूब के अंदर का जो कंटेंट है वो अभी मूव करेंगे, तो वही द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू, गो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा of the stigma and style of the stigma and style and reaches ovary and reaches ovary। तो pollen tube finally कहाँ पहुँचेंगे बेटा, pollen tube finally जो है वो ovary पहुँचेंगे, तो finally ovary में पहुँचेंगे। ये pollen tube जो बना है stigma से तो reaches ovary, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज केमोट्रॉपिक,
ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज केमोट्रॉफिक। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। देखो बहुत सारे बच्चे सुनेंगे, सोचेंगे कि सर तो ये जो हमारे पास मॉड्यूल है उसी चीज़ को तो लिख रहे हैं। एक्चुअली ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें कहाँ चेंजेस करना है और कौन से पॉइंट को सेपरेट करना है और कौन से पॉइंट को कितना शॉर्ट करना है, छोटा करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर लिख के दे सकता हूँ। अब आप सोचेंगे कि वीडियो से क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट मॉड्यूल से ही लेकर के छाप लेंगे, तो वो आपको पता नहीं चलेगी कहाँ पे लिखाना है सिर्फ पॉइंट को, कहाँ सिर्फ शॉर्ट करना है। आप देखिए तो जैसे यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब ये, और फिर उसके बाद हाँ द रिकॉम्बिनेशन पावर ऑफ पिस्टल, ये सेंटेंस ही अलग कर दिया, ये पॉइंट को अलग किया। तो आप ये मत सोचिए कि मॉड्यूल की सारी चीज़ों को हमें करना, तो वही चीज़ है, हम क्लास में भी वही पढ़ते हैं जो सारी चीज़ बुक में होते हैं, बस हमें याद रखना है, समझना है। तो यहाँ समझते हुए चीज़ों को करते हुए चलेंगे, आप हमेशा शॉर्टकट नहीं निकालें किसी चीज़ का। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज केमोट्रॉपिक का मतलब है बेटा कि जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ करता है केमिकल के तरफ अट्रैक्ट होने के लिए करता है। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आपको वहाँ मन लगता है, अट्रैक्शन है घूमने का, या कोई भी काम करते हैं अट्रैक्शन की वजह से कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग बॉडी स्प्रे वगैरह लगाते हैं तो उससे अच्छी जो फीलिंग आती है, खुशबू जो अच्छी आती है, वो फीलिंग अच्छी देती है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते होंगे कि बॉडी स्प्रे मारते हैं लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डैट इज द केमोट्रॉपिक। तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ जो होता है वो उधर की ओर होता है, जिससे कुछ केमिकल का सिक्रेशन, और वो केमिकल एक अच्छी सेंट देते हैं, यानी कि एक अच्छा सा सेंस देता है, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब उधर की ओर अट्रैक्ट होता है। तो एक केमिकल के तरफ अट्रैक्शन होना, डैट इज द केमोट्रॉपिक। तो पॉलन ट्यूब एक पार्टिकुलर केमिकल के तरफ अट्रैक्ट होता है। द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट। नेक्स्ट पॉइंट है जेनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ ऑफ ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन एस्टिग्मा और अगर सेल टू सेल स्टेज है तब, ये हम वहां पर भी डिस्कस कर चुके हैं। इफ पॉलन ग्रेन्स आर grains are three cell stage are three cell stage pollen tube carriage male गैमेट। देखिए ये बातों को हमने आपको बताया था, टू सेल स्टेज और थ्री सेल स्टेज। टू सेल स्टेज यानी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के अंदर में यहाँ पर एक जेनरेटिव सेल को बना के दिखाया था, ठीक है। तो लार्ज वेजिटेटिव सेल और स्मॉल जेनरेटिव सेल, यानी कि जो माइटोटिक डिवीजन हुआ था उसमें एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बने थे, जिसके वजह से एक लार्ज वेजिटेटिव सेल के अंदर
छोटा यानी ये स्मॉल जेनरेटिव सेल बना था, और ये भी बताया था कि वे जेनरेटिव सेल फ्लोट इनटू द वेजिटेटिव सेल। ये बातें हो गई, दिस इज द टू सेल स्टेज, ये जो है वो टू सेल स्टेज है, और ये है थ्री सेल स्टेज। थ्री सेल स्टेज का मतलब कि एक जेनरेटिव सेल में, एक वेजिटेटिव सेल में, ये लार्ज वेजिटेटिव सेल में दो जेनरेटिव सेल हैं। टू जेनरेटिव सेल एंड वन वेजिटेटिव सेल। तो ये एक वेजिटेटिव सेल में दो जेनरेटिव सेल हैं, दिस इज दी थ्री सेल स्टेज। अगर थ्री सेल स्टेज है तो सिर्फ पॉलन ट्यूब बनेगा और उस पॉलन ट्यूब में दोनों जेनरेटिव सेल मूव करेंगे, और अगर टू सेल स्टेज है तो उस टू सेल स्टेज में पहले क्या होगा कि माइटोसिस का प्रोसेस होगा, दिस इज द टू सेल स्टेज। तो पहले माइटोसिस कर लेगा, कब? पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन जब हो रहे हैं तब, यानी पॉलन ट्यूब बन रहा है, पॉलन ट्यूब बन के जब ओवेरी के अंदर इंटर कर रहा है तो उसी समय जेनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके दो जेनरेटिव सेल हो जाएंगे। टू सेल स्टेज आपको बताया था कि लगभग 60% एंजियोस्पर्म में होता है, एंड थ्री सेल स्टेज मैंने आपको बोला कि रिमेनिंग जो 40% है, यानी रिमेनिंग जो एंजियोस्पर्म है, तो रिमेनिंग का मतलब एंजियोस्पर्म 40%, तो जो 40% एंजियोस्पर्म है उसमें थ्री सेल स्टेज, और बाकी में मैक्सिमम 60% टू सेल स्टेज एंजियोस्पर्म है। तो टू सेल स्टेज में जब पॉलन ट्यूब बनेगा तो उसी समय माइटोटिक डिवीजन करके दो जेनरेटिव सेल बन जाएंगे, तो फिर से वो थ्री सेल स्टेज हो गया। और अगर पहले से ही थ्री सेल स्टेज है तो सिर्फ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, उस पॉलन ट्यूब के अंदर दोनों जेनरेटिव सेल मूव करेंगे, यानी फिर माइटोटिक की जरूरत नहीं है, यही अंतर होता है। नेक्स्ट आएंगे, एक है टर्म आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये आपको जेनेटिक्स में भी पढ़ना है। तो देखो बेटा क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई एक प्लांट है ये प्लांट हुआ, ठीक है, ओके। अब देखो अगर इस प्लांट के ऊपर में, यहां पर समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है, और इसके ऊपर मान लो कि एंथर है ना, और इस पार्ट के ऊपर में एस्टिग्मा है, एस्टिग्मा स्टाइल ओवेरी है। अब समझ लो कि अगर हमें, मान लीजिए कि यह फीमेल फ्लावर है और ये बेटा मेल फ्लावर है, फ्लावर जो है वह यूनिसेक्सुअल है और प्लांट मोनोसियस है, ये मोनोसियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर हम चाहते हैं कि ये प्लांट का ये फ्लावर, यानी यहां से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के इसके स्टिग्मा पे आएगा,
ठीक है, दिस इज द एस्टिग्मा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, यानी पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी इसके ऊपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो। तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो तो फर्टिलाइजेशन रोकने का दो ही तरीका है, या तो इस मेल गैमेट को, यानी कि जो एंथर है उसको काट के निकाल दें। तो यहाँ पर एंथर नहीं अगर होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यानी पॉलिनेशन नहीं होगा, इसको हटा दें। और फिर दूसरा चीज़ है कि या तो इस स्टिग्मा को किसी चीज़ से कवर कर दें, पेपर बैग से, प्लास्टिक के पॉलीथीन से, या बटर पेपर से, किसी चीज़ से उसको कवर कर दें। तो अगर स्टिग्मा कवर हो गया तो यानी कि वहाँ पर अनडिजायर, यानी अनडिजायर का मतलब जिस फर्टिलाइजेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, तो वैसे अनडिजायर फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए ये दो चीज़ हम लोग करते हैं। एक होता है आपका बैगिंग और दूसरा होता है इमैस्कुलेशन। ओके, तो इसी चीज़ को तो कुछ लैबोरेटिकल वर्क में, या फिर हमें कोई नए प्लांट का फर्टिलाइजेशन किसी दूसरे पॉलिन ग्रेन से कराना है, तो ये सब काम के लिए, और हम पहले चाहते हैं कि स्टिग्मा मैच्योर हो जाए और उसके ऊपर कोई दूसरा पॉलिन ग्रेन नहीं आए, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। और इसी को तो यानी अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन से, यानी कुछ अलग जीन वाले पॉलन ग्रेन को इस स्टिग्मा के साथ फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हैं, डैट इज हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं, और इसको हम लोग लैबोरेटिकल वर्क से, नेचुरली नहीं, लैबोरेटिकल वर्क से करना चाहते हैं, तो डैट इज दी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यही क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। ओके, तो या तो हम इसको कवर कर दें, कवर्ड बाई पेपर, कवर्ड बाई प्लास्टिक बैग, इसको कहते हैं हम लोग बैगिंग, किसका, एस्टिग्मा का। और यहाँ से इसको हम लोग कट कर दें, ठीक है, तो कट कर दिया, इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन, समझ गए। तो यही दोनों चीज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग अपनाते हैं। चलेंगे, लिखेंगे इस चीज को, तो ये क्या है, इट इज मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इट इज मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन विच क्रॉसेस आर इन विच इन विच क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज और स्पेसीज, एंड जिनरा 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 फॉर डिजायर। हम कुछ नए कैरेक्टर के प्लांट को चाहते हैं जैसे कि ये प्लांट का कुछ कैरेक्टर, इस प्लांट का कुछ कैरेक्टर मिलकर के एक नया वैरायटी हमें मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे एक प्लांट है टोमेटो, पोटैटो और टोमेटो दोनों के कैरेक्टर को मिला करके एक नया फ्रूट बनाया गया जिसका नाम है पोमेटो। मार्केट में ज़्यादा वो कमर्शियल नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन पोमेटो आते हैं, अभी भी बिकता है कुछ जगह। तो वो क्या था, दो अलग अलग स्पेसीज को या दो अलग अलग जेनरा को या दो अलग वेराइटी को क्रॉस करा के कर दिए, तो इसके लिए ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करना होता है। इसमें और क्या है, तो
सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पेरेंट। तो पेरेंट का पहले सुटेबल सिलेक्शन करना होगा। फिर है इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन मतलब द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फीमेल पेरेंट फ्लावर फीमेल पेरेंट फ्लावर बिफोर एंथर डेहिसेंस, बिफोर एंथर डेहिसेंट। ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि फ्रॉम फीमेल पेरेंट फ्लावर हम इसको क्यों काट के हटाना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसके ऊपर फीमेल फ्लावर को रखना चाहते हैं, तो डेट इज द फीमेल पेरेंट फ्लावर। ओके, दूसरी बात, और कब, तो इनके मैच्योर होने के पहले, एंथर मैच्योर होकर डेहिसेंस यानी ओपन हो उसके पहले हम लोग इसको काट के हटाना चाहते हैं, तो वही चीज यहां पर लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर है बैगिंग। तो बैगिंग की बात करते हैं, द कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर with a bag of suitable size, butter paper or plastic bag. The bag, और क्यों करते हैं, तो to prevent contamination of stigma with unwanted pollen या undesired fertilization। तो undesired fertilization को रोकने के लिए है, या unwanted कंटामिनेशन से बचाने के लिए, क्योंकि अगर कवर नहीं करेंगे तो किसी एयर से या किसी एनिमल्स के थ्रू कोई दूसरा भी एनिमल्स आकर के उसके ऊपर अगर बैठा और वो कोई दूसरा पॉलन ग्रेन लेके आया, तो हमारा फिर जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो पूरा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो एक ये बात हो गई, तो इसी को कहते हैं बैगिंग। थर्ड पार्ट है पॉलन डस्टिंग एंड रीबैगिंग। पॉलन डस्टिंग एंड री बैगिंग, पॉलन को डस्टिंग डस्ट करके उसको बाद में फिर से दोबारा पैक कर देना। तो जिस तरह के पॉलन ग्रेन के साथ हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो, वैसे पॉलन ग्रेन का डस्ट उस एस्टिग्मा के ऊपर छिड़काव कर देते हैं, ठीक है, स्प्रे कर देंगे, एंड देन आफ्टर उसको दोबारा से पैक कर देंगे, यानी कि फिर से कोई कॉन्टामिनेटेड पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आकर के नहीं लैंड करे, उससे बचाने के लिए। प्लीज होल्ड फॉर 1 मिनट, आई हैव टू शेयर द लिंक।
थैंक यू बेटा, थोड़ा वेट किया आप लोगों ने मेरा। तो नेक्स्ट है द डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ मेल पेरेंट, या इसको लिखेंगे डस्टिंग ऑफ सुटेबल ऑफ और डिजायर पॉलन ग्रेन, यानी जिस पॉलन ग्रेन से हम फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो वो हमारा डिजायर पॉलन ग्रेन होगा। तो डस्टिंग ऑफ सुटेबल या डिजायर पॉलन ग्रेन, डिजायर पॉलन ग्रेन एंड देन रीबैगिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्रूट आर देन अलाउड टू डेवलप, फ्रूट आर देन अलाउड टू डेवलप। और नेक्स्ट इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेज प्रोड्यूसेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेक्सुअल फ्लावर, देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। तो यानी ऑलरेडी अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है, यानी प्लांट आयोसियस है और उसके ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि कौन सा, तो फीमेल प्लांट है तो फीमेल फ्लावर आएंगे, तो वहाँ पर इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं, सिर्फ बैगिंग कर देंगे यानी कवर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो एमसीक्यू में ये बातें ध्यान रखने के लिए हैं। देखो बेटा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम लोगों को इस लेसन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वह देखना है, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो नाउ आवर हेडिंग इज डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए हेडिंग देंगे डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना? सबसे पहले तो स्टिग्मा आया, अब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, है ना? देखिए यहां से डबल फर्टिलाइजेशन हेडिंग दे दिया, अब उसके बाद चलेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन हेडिंग दिए हम लोग, अब उसके आगे देखिए क्या है यहां पे बातें। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन जब हो रहा है, यानी उसके बाद, तो एक हम लोग पिस्टिल का स्ट्रक्चर बनाना है। स्टिग्मा, ओके, एस्टाइल और ये ओवेरी, है ना? और इस ओवेरी के अंदर में आप जानते हो कि क्या है, तो ओवेरी के अंदर में ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर में एम्ब्रियो सैक। तो एक ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर पहले इसके अंदर बना लेंगे हम लोग।
चलिए अब आपको ये पता है डबल फर्टिलाइजेशन की बातों को हम लोग पूरा अच्छे से लेकर के चल रहे हैं। ओके अब आप जान रहे हैं फ्यूनिकल है यहाँ पर हाइलम है ये आउटर इंट्यूगमेंट ये इनर इंट्यूगमेंट ये न्यूसेलस ये सिनर्जिड सेल ये एग सेल ये सेंट्रल सेल ये एंटीपोडल सेल ठीक है ये सारी बातें जो है वो हम लोगों की चल रही हैं। ये एक ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर देख लिया आपने। सबसे पहले क्या होता है समझने वाली बातें अब यहाँ से हैं। तो जब एक यहाँ पर चाहे वो टू सेल का यानी टू सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन हो या थ्री सेल वाला स्टेज का पॉलन ग्रेन हो दोनों में से कोई भी एक हो तो चलो टू सेल स्टेज हम अगर लेके आते हैं तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले एक पॉलन ग्रेन लैंड किया और इस पॉलन ग्रेन के अंदर में एक जेनरेटिव सेल है और बाकी एक वेजिटेटिव सेल है। तो ये क्या करेगा कि स्टिग्मा के ऊपर आकर के इंट्रैक्शन करेगा और स्टिग्मा का न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्ब लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करके टू फॉर्म किस लिए टू फॉर्म पॉलन ट्यूब को बनाने के लिए। अब एब्जॉर्प्शन करने के बाद में ये क्या करेगा कि जो जेनरेटिव सेल है खास करके और कहां से बनेंगे तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी जो होगा वो जो जर्म पोर वाला लेयर है यानी पार्ट है वहीं से बनेगा बेटा। ओके क्योंकि आप जानते हो एक्साइन लेयर जो है दिस इज द एक्साइन लेयर और दिस इज द इंटाइन लेयर। एक्साइन लेयर को कोई भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। तो मैंने वहां पर भी बताया था कि जर्म पोर का रोल क्या है। जर्म पोर रोल करता है प्ले पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के टाइम पे। अब यहां से जहां से जर्म पोर है यहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पॉलन ट्यूब आया। अब देखो पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स के अंदर में एंट्री कैसे करेगा तो ओव्यूल्स के अंदर में एंट्री वो किसी भी रास्ते से कर सकता है। जनरली माइक्रोपाइल वाले रीजन से करता है लेकिन करने का वो इस इंट्यूगमेंट से भी कर सकता है यानी थ्रू द इंट्यूगमेंट्स और थ्रू द चलाजा। ओके चलाजा के रीजन से भी कर सकता है और ये इंट्यूगमेंट्स के भी रीजन से कर सकता है। फिर उसके साथ साथ ये इंट्यूगमेंट्स के रीजन से कर लिया चलाजा के रीजन से भी कर सकता है और साथ ही साथ माइक्रोपाइल के रीजन से भी कर सकता है और साथ ही साथ ये फ्यूनिकल के रीजन से भी कर सकता है और साथ ही साथ ये इस तरह से आप समझ लीजिए कौन कौन रीजन फ्यूनिकल से चलाजा से इंटीगुमेंट से और माइक्रोपाइल से इतने सारे रीजन से यह एंट्री कर सकता है। थोड़ा सा और इसको ठीक कर लूं मैं। ये डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए दिया हूं
या तो इधर से कर ले एंट्री और या फिर इतने सारे रीजन से कर लेगा पॉलन ट्यूब आया, दिस इज दी पॉलन ट्यूब। अब वो ओव्यूल्स के अंदर किसी भी रीजन से जाए, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर में सिर्फ और सिर्फ किस रीजन से जा सकता है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर वो हमेशा सिनर्जिड सेल के थ्रू ही जाएगा। तो यहां से वह सिर्फ सिनर्जिड सेल के थ्रू ही एंट्री करेगा। अगर यहां से भी आएगा तो भी कोई ना कोई सिनर्जिड सेल के थ्रू ही एंट्री करेगा, यहां से अगर आएगा तो भी वो सिनर्जी सेल के ही थ्रू एंट्री करेगा, और अगर इस पॉइंट से आया है तो भी वो सिनर्जी सेल के थ्रू ही एंट्री करेगा। तो ओव्यूल्स के अंदर एंट्री के लिए वो किसी भी एक रीजन से जा सकता है, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री उसकी हमेशा सिनर्जिड सेल से होगी। और पॉलन ट्यूब को क्यों बोले थे केमोट्रॉपिक होता है, तो आप जानते हो सिनर्जिड सेल के अंदर सिनर्जिड सेल पे एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो केमिकल का सेक्रेशन करता है, वही पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और उसी के वजह से पॉलन ट्यूब जो है हमेशा एंट्री करता है सिनर्जिड सेल में। अब ये बात समझ गए यहां तक की बातों को। जब यहां पर इस तरह से काम हो रहा होता है तो उसी समय ये दो जेनरेटिव सेल बन जाते हैं। तो अगर थ्री सेल स्टेज है तो सिर्फ अंदर आएगा, और टू सेल स्टेज है तो यहां पर टू जेनरेटिव सेल, दो जेनरेटिव सेल हो गए। तो जब भी एंट्री होगी तो इस पॉलन ट्यूब में हमेशा पॉलन ट्यूब के थ्रू दो जेनरेटिव सेल इंटर करेंगे सिनर्जिड सेल, और जिस सिनर्जिड सेल से एंट्री करेगा वो सिनर्जिड पॉलन ट्यूब जिस सिनर्जिड सेल के अंदर जाएगा वो सिनर्जिड सेल डेड कर जाएगा, मर जाएगा। और फाइनली दो जेनरेटिव सेल इंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में, और एक जेनरेटिव सेल फ्यूज करेगा इस एग सेल के साथ, और दूसरा जेनरेटिव सेल फ्यूज करेगा इस सेंट्रल सेल के साथ या पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो दो जगह फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें कुछ बातों को लिखने की बातों को यहां पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। चले फटाफट लिखें इसको, क्या है डबल फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया, इट इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। अब सबसे पहले क्या होगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओवरी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओवरी इनटू ओवरी into ovary through through micropyle called, तो उसको क्या कहते हैं, पोरोगैमी, पोरोगैमी। और ये मोस्ट एंजियोस्पर्म में होता है, occurs in
मोस्ट एनजीओ एस्पर, ये सबसे ज्यादा एनजीओ एस्पर में होता है। तो उसको क्या कहते हैं, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल कॉल्ड पोरोगैमी। पोरोगैमी के बाद में चलाजोगैमी और मेजोगैमी। फिर एक होता है चलाजोगैमी, यानी चलाजल साइड से। ओके, पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू चलाजा, ये हो गया आपका चलाजल साइड से हो रहा है, तो ये कहलाएगा चलाजोगैमी। माइक्रोपाइल रीजन से हो रहा है तो ये हो जाएगा, यानी माइक्रोपाइल रीजन यहां पर है तो इसको कहेंगे पोरोगैमी। दिस इज पोरोगैमी। और अगर इंटीगुमेंट से हो रहा है या फ्यूनिकल से हो रहा है तो उसको कहेंगे मेजोगैमी। दिस इज मेजोगैमी। अब आइए नेक्स्ट, तो मेजोगैमी भी यहां लिख देता हूं। तो मेजोगैमी, चलाजोगैमी का एग्जांपल काउसेरियन है, कैसुआ रीना, ठीक है। फिर है मेजोगैमी, पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू, पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू इंटीगुमेंट्स, इंटीगुमेंट्स और फ्यूनिकुलस, और फ्यूनिकुलस। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक अकर्स occurs only through the synergid cell. And after the entry of, after the entry, the synergid will degenerate. तो जिस synergid के तरफ से एंट्री करेगा वो सिनर्जिड सेल जो है वो मर जाएगा या डिजनरेट कर जाएगा। ओके, तो वो डिजनरेट कर जाएगा सिनर्जिड, यानी कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस सीक्रेट्स हार्मोन टू, फिलीफॉर्म एपरेटस सीक्रेट्स हार्मोन टू अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए सिनर्जिड सेल जो है वह क्या करता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। समझ गए ये बात को। अब नेक्स्ट आइए,
ड्यूरिंग दी पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल्स द टू सेल स्टेज ओव्यूल्स द जनरेटिव सेल ऑफ टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन माइटोटिकली डिवाइड टू फॉर माइटोटिकली डिवाइड टू फॉर फॉर टू जेनरेटिव सेल। अगर थ्री सेल स्टेज है तो नहीं, पहले भी बताए थे, इसलिए यहाँ पर लिख दिया, मेंशन किया है टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। जो दो सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन है उसका जेनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके टू जेनरेटिव सेल बनाएंगे। देन अब उसके बाद में After the entry of pollen tube into embryo sac, both nuclei of both nuclei of central cell fuse to form diploid central cell cell and the two generative cell enter into embryo sac। अब दो generative cell embryo sac के अंदर enter कर चुका है, अब क्या होगा next? Out of one male gamete fertilized with egg cell to form diploid zygote and this fusion is known as syngamy। Second, male gamete fuse with diploid secondary nucleus
विच इज फॉर्म्ड बाई सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस विच फॉर्म ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। या इसी को कहते हैं ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN। दिस फ्यूजन इज नोन एज ट्रिप्लॉयड फ्यूजन। और इस फ्यूजन को क्या कहते हैं हम लोग, तो इस फ्यूजन को ट्रिप्लॉयड फ्यूजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस पहले से किसके अंदर है, तो दो न्यूक्लियस पहले से सेंट्रल सेल के अंदर है और एक न्यूक्लियस जो है वह जेनरेटिव सेल का, तो तीन न्यूक्लियस आपस में मिले तो इसलिए तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, इसलिए इसको ट्रिप्लॉयड फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस एट टाइम इन एंजियोस्पर्म इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन और इसीलिए दो जगह फ्यूजन हो रहे हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, तो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आइए इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ और ये एंजियोस्पर्म का स्पेसिफिक फीचर है या यूनिवर्सल फीचर है यानी दूसरे प्लांट के लिए नहीं है या देन जाइगोट इज डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी PEC। जो अब होता क्या है कि जो PEN है उसमें कंटिन्यूअस कारियोकाइनेसिस होते हैं यानी बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई हो जाते हैं, देन आफ्टर वो वॉल का फॉर्मेशन करता है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पहले बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे देन आफ्टर वो साइटोकाइनेसिस करेगा, इसका मतलब तब जाकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेंगे यानी एंडोस्पर्म जो होगा वो ट्रिप्लॉयड होंगे। Which
डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, और ये किस चीज में डेवलप करेगा, तो विच डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, यानी तब जाकर के ये एंडोस्पर्म में डेवलप करेगा। ओके, विच डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ऑल द रिमेनिंग सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, रिमेनिंग सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, ऑल द रिमेनिंग सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक लाइक एंटीपोडल सेल सिनर्जिड सिनर्जिड आर डी डीजेनरेट। एंडोस्पर्म इज मे बी कंज्यूम बाई डेवलपिंग सीड और इट मे बी परसिस्ट। जो एंडोस्पर्म है या तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, कंज्यूम हो जाएगा या फिर परसिस्ट करेंगे, यानी कि सीड में रह जाएंगे। जो कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं वह क्या है, फ्री न्यूक्लियाई है। तो अब जो ये आगे की बातें हैं वह है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक जो है यानी डबल फर्टिलाइजेशन की बातों को आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी बातें जो है वह लिखा, और यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आपको दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए ये बेटा क्या था, यह एक एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में ये दो सेल, ये एग सेल, ये सेंट्रल सेल, ये एंटीपोडल सेल। अब आप जानते हो कि पॉलन ट्यूब आया, और पॉलन ट्यूब आया तो किसी ना किसी एक सिनर्जिड सेल के अंदर एंट्री किया, और एंट्री किया तो क्या लेके आया, दो जेनरेटिव सेल लेकर के आया। ये दोनों जेनरेटिव सेल जब आएंगे, एक जेनरेटिव सेल यहाँ फ्यूज करेगा और एक जेनरेटिव सेल यहाँ फ्यूज किया, तो यहाँ पे फ्यूजन किया तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म, और ये जो हुआ वो यह ट्रिप्लोइड फ्यूजन हुआ। क्यों, थ्री न्यूक्लियस का फ्यूजन है, और ये जो है ये एग सेल जो है यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ तो ये क्या करेगा, ये जाइगोट बनाएगा, और ये जो है डिप्लोइड होगा, तो यह 2n और ये जो होगा वह 3n, समझ गए। और दो जगह फर्टिलाइजेशन है इसीलिए इसका नाम पड़ा है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी एक फर्टिलाइजेशन यहाँ और दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ, इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन की बातें कंप्लीट, अब इसकी आगे की जो बातें हैं वो हम लोग अपने क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।